हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे हाथों में जो है निजोक्लिन साबुन है, जो एक एंटी फंगल साबुन है। बोल सकते हैं यह एक मेडिसिन भी है, जो एंटी फंगल मेडिसिन है। इसके अंदर चार कॉम्बिनेशन है, कीटोकोनाजोल, ग्लिसरीन, कोकुम बटर और ओलिव ऑयल है। यह जो है आपको 140 रुपये में मिल जाएगा। 100 ग्राम का जो है पैकिंग में आता है, 100 ग्राम का ही होता है। इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए यह एक एंटी फंगल साबुन है, तो इसका इस्तेमाल जो है चर्म रोग में किया जाता है, यानी चमड़ियों के जो रोग हो गया, स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो गया, सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में, स्किन पर किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में जो है निजोक्लिन साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है एथलीट्स फुट नाम की बीमारी हो गया हो, पाँव की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, या पाँव के ऊपर या पाँव के निचले भाग में अगर फंगल इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में भी जो है निजोक्लिन साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को रिंग वर्म हो गया हो, दाद हो गया हो, खाज हो गया हो, खुजली हो रहा हो, या पसीने के कारण जो है रेसेज हो गया हो, खुजली हो रहा हो, रेडनेस हो गया हो स्किन पर, तो उस कंडीशन में भी जो है निजोक्लिन साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जोंक इंच नाम की बीमारियों को भी में किया जाता है। अगर जांघों के बीच में जो है आपके जांघों के बीच में कांख या कोहनी कहीं भी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में निजोक्लिन साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है टीनिया वर्सिकलर नाम की बीमारी में भी किया जाता है, जो स्किन पे जो है व्हाइट पैचेज हो जाता है, जिसे सफेद दाग बोला जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है निजोक्लिन साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है हेयर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, बालों में डैंड्रफ हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है निजोक्लिन साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल बोल सकते हैं किसी भी प्रकार के बॉडी पर, स्किन पर किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है निजोक्लिन साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे नहाते समय जो है अप्लाई किया जाता है, यानी नहाते समय लगाना है इसको, लगभग 2 मिनट तक अपने स्किन पर रहने देना, उसके बाद जो है धो लेना है, नहा लेना है, और इसे कम से कम आप 2 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसे 4 से 6 सप्ताह तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए।